है इंडोनेशिया की मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक जिनका नाम है श्री मुल्यानी इंद्रावती। पर दोस्तों ये कोई हिंदू नहीं है, ये एक मुस्लिम महिला है। ऐसे ही इंडोनेशिया के फॉर्मर कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस जिनका नाम है जनरल गटोत्कच, ये भी एक इंडोनेशियन मुस्लिम है, पर दोस्तों इनका भी हिंदू नाम है। दोस्तों इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम देश है, जहाँ पर 231 मिलियन मुसलमान रहते हैं। पर दोस्तों फिर भी इस देश के मुसलमानों के खून में आज भी हिंदू संस्कृति जीवित है, ये बात कही थी इंडोनेशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट सुकर्णो ने। इंडोनेशिया के मुसलमानों की सभ्यता और संस्कृति दुनिया के दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। इस देश के मुसलमान कुरान के साथ साथ रामायण और भगवत गीता भी पढ़ते हैं। ये सारी बातें आपको पता चलने वाली है आज की इस यूनिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए देखते हैं इंडोनेशिया वाजे हिंदू कंट्री। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया आज से लगभग 700 साल पहले एक हिंदू देश था, जहां पर हिंदू और बौद्ध धर्मों के लोग ही रहते थे। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये खुद मानती है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि दोस्तों वहां पर 1000 से 2000 साल पुराने हिंदू टेंपल मौजूद है। इसलिए वहां के मुस्लिम लोग ये साफ साफ कहते हैं कि इस्लाम हमारा मजहब है और हिंदुइज्म हमारी हिस्ट्री है। अगर दोस्तों आपको कभी इंडोनेशिया जाने का मौका मिले तो वहां के मुसलमानों के कल्चर में आपको साफ साफ हिंदू कल्चर देखने को मिलेगा। और इस बात का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत ये है कि वहां की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर को प्रिंट किया हुआ है। अगर आप इसके पीछे का कारण खोजोगे तो वो भी आपको विकिपीडिया पर साफ साफ मिल जाएगा। पर दोस्तों 9वीं सदी से 13वीं सदी तक अरब के सुल्तानों, सूफी मर्चेंट्स और इस्लाम के प्रचारकों ने यहाँ के हिंदू और बौद्ध धर्मों के लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था, जिससे इंडोनेशिया में इस्लाम तेजी से फैला था। नंबर 2, इंडोनेशियन मुस्लिम्स रीड महाभारता एंड रामायणा। दोस्तों इंडोनेशिया के सुमार्ता, जावा और बाली द्वीपों पर हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वहाँ के हिंदू और मुसलमान लोग बहुत ज्यादा प्यार से और मिलजुल कर रहते हैं। इंडोनेशियन गवर्नमेंट हिंदुइज्म को एक्टिवली सपोर्ट करती है। जब वहाँ पर हिंदू त्योहार होता है तो गवर्नमेंट उस दिन नेशनल हॉलीडे करती है। एंशियंट हिंदू टेम्पल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और महाभारत और रामायण को वहाँ के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बच्चों के बीच संस्कृत सीखने और बोलने के कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं। वहाँ के पब्लिक प्लेसेस पर प्राउडली हिंदू भगवानों की स्टैचूज दिखाई जाती हैं, जैसे महाभारत की श्री कृष्णा और अर्जुन की स्टैचू जकार्ता में मौजूद है। और इंडोनेशिया के एशियन गेम्स स्टेडियम के बाहर अर्जुन की शानदार और बेहद ही खूबसूरत स्टैचू बनाई गई है। बहुत ही सुंदर भगवान गणेश की स्टैचू जावा में बनाई गई है। ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर हिंदू भगवानों की स्टैचू इंडोनेशिया के हर एक पब्लिक प्लेसेस पर देखने को मिलेगी। दोस्तों जितना हम महाभारत और रामायण के बारे में जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा इंडोनेशिया के मुसलमान और हिंदू इनके बारे में जानते हैं और इनके श्लोकों में बताई गई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पर मिले हजारों साल पुराने पत्थरों पर महाभारत के श्लोक आज भी मौजूद है। वहां के मुसलमान और हिंदू अपने बच्चों का जीवन सफल बनाने के लिए उनको महाभारत और रामायण पढ़ाते हैं, जिससे वे अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानी का हल खोज सके। और आपको शायद ही पता होगा कि इंडोनेशिया में होने वाली रामलीला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तो वे खुद वहां की रामलीला को देखकर हैरान रह गए थे। नंबर 3, इंडोनेशिया गिफ्टेड माता सरस्वती स्टैचू टू USA। दोस्तों ये जानकर आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि अमेरिका के वाशिंगटन DC में मौजूद माता सरस्वती देवी की स्टैचू भारत ने नहीं बल्कि इंडोनेशिया ने USA को गिफ्ट की थी। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को शिक्षा और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। 16 फीट की माता सरस्वती की बहुत ही सुंदर स्टैचू इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए गिफ्ट की थी। दोस्तों हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश अपनी हिंदू संस्कृति पर इतना ज्यादा नाज करता है, और शायद हम इस चीज को भुलाते जा रहे हैं। नंबर 4, हिंदू नेम्स ऑफ इंडोनेशियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों वैसे तो इंडोनेशिया के मुसलमान भी अपने बच्चों के हिंदू नाम रखते हैं, जैसे इंडोनेशिया की मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मुस्लिम महिला का नाम
श्री मुलयानी इंद्रावती हैं और इंडोनेशिया के फॉर्मर कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज का नाम घटोत्कच है जो कि एक मुसलमान है। इंडोनेशिया में मुसलमानों के प्रसिद्ध हिंदू नाम होते हैं जैसे रामा, सीता, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, सत्यवान, सावित्री, सुकर्णो, देवा देवी, युधिष्ठिर, अर्जुना, भीमा, इंद्रा, गणेशा और ऐसे ही बहुत सारे नाम होते हैं। पर दोस्तों सबसे प्राउड फील तब होता है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने भी अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हिंदू नाम रखे हुए हैं, जैसे कि इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम गरुड़ा एयरलाइंस है। हिंदू धर्म में गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। ऐसे ही इंडोनेशिया की नेशनल लाइब्रेरी का नाम परपुस्तकान गणेशा है, यानी नेशनल लाइब्रेरी गणेशा। और इंडोनेशिया की करेंसी पर सिग्नेचर करने वाले गवर्नर को कुबेरनर कहा जाता है जो कि हिंदुओं के भगवानों से संबंधित है। नंबर 5, कन्वर्जन फ्रॉम अदर रिलीजियंस टू हिंदुइज्म इज अलाउड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में जब कोई दूसरे धर्म से हिंदुइज्म में आता है तो उसको इंडोनेशियन गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिलती है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी सुकमावती स्कोर्नो पुत्री ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया था। इसमें उनको इंडोनेशियन गवर्नमेंट और उनके घर वालों ने फुल सपोर्ट किया था। ऐसे ही इंडोनेशिया के लोग हिंदू धर्म को अपनाते रहते हैं। वैसे भी दोस्तों उनके कल्चर में ही हिंदुइज्म मौजूद है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना। क्या बात है यार, मतलब मुझे तो सुन के बहुत शौक लग रहा था इस वीडियो में कि मुस्लिम कंट्रीज मतलब इंडोनेशियन जो होते हैं वो हमारे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ यूपी की मैं बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ के मुस्लिम अगर आप देखेंगे ना तो इतने ज़्यादा कट्टर वाले होते हैं। ख़ास तौर से हमारे यहाँ यूपी के लखनऊ में हमारे यहाँ भी सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुस्लिमों की है। और इस वीडियो की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग हर धर्म को मतलब एक धर्म को नहीं मतलब एक धर्म को धर्म नहीं समझते हैं, इंसानियत को वहाँ पे बड़ा धर्म दिया गया है। मतलब सोचिए अगर हम आपस में मिलके रहते हैं या उसको अपनाते हैं, उनके चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनको वहाँ के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा है। मतलब हर तरीके को क्वेश्चन लोग उठाते हैं ना कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वो लोग फुल सपोर्ट करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके देश का नाम कहीं बाहर रोशन होता है। तो बहुत अच्छी थी ये वीडियो और मुझे बहुत पसंद आई। उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। सो प्लीज़ शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।